नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बीबी के ट्रेंड्स में। दोस्तों आज एक लेटेस्ट जो ट्रेंडिंग न्यूज जो अब निकली है वो है इंस्टाग्राम से रिलेटेड, और ये जो न्यूज है वो टिकटॉकर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद न्यूज है। जितने भी टिकटॉकर्स थे जो टिकटॉक यूज करते थे, जिनका अकाउंट टिकटॉक पे था और अकाउंट डिलीट हो चुका है जिसकी वजह से वो टिकटॉक यूज नहीं कर पा रहे या वो अपना स्किल सेट जो है वो किसी को दिखा नहीं पा रहे, उसके लिए अब इंस्टाग्राम एक नया फीचर लेकर आया है, इंस्टाग्राम रील्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, इंस्टाग्राम रील्स। इंस्टाग्राम रील्स जो है वो इंस्टाग्राम में एक नया फीचर है जहाँ पे जाके आप एक शॉर्ट वीडियो शूट कर सकते हैं विद इफेक्ट्स। जी हाँ, जैसे आप टिकटॉक पे वीडियो शूट किया करते थे जिसमें आपको बैकग्राउंड इफेक्ट मिलता था, जिसमें आपको शॉट टाइमिंग या मोशन जो है आप फास्ट या स्लो किया करते थे, वो सारे इफेक्ट्स आपको जो है इंस्टाग्राम में भी मिलेंगे। अब जितने भी टिकटॉकर्स हैं ये उनके लिए सबसे बड़ा गुड न्यूज़ है, बिकॉज फर्स्टली इंस्टाग्राम इज़ नॉट इन चाइनीज ऐप, सेकेंडली आप इंस्टाग्राम पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अब टिकटॉक से तो निकल चुके हैं लोग कई सारे, क्योंकि इंडिया में तो अब यूज़ हो नहीं रहा, और इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो चाहता है कि अब ये सारे के सारे एक्टिव हो जाए इंस्टाग्राम में। और इसके लिए जो है इंस्टाग्राम ने पहले भी एक फीचर लाया था, वो है IGTV मोनेटाइजेशन। ये मोनेटाइजेशन फिलहाल फॉरेन कंट्रीज में एप्लीकेबल है और ये अभी टेस्टिंग मोड पर है, और कुछ ही महीनों या सालों में जो है वो इंडिया में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स से टिकटॉक पे, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अब इंस्टाग्राम पे रील्स पे आके वीडियोस बनाना शुरू करें, क्योंकि यहाँ आप पैसे भी कमा सकते हैं इन केस अगर इंडिया में जो है IGTV जो है अगर मोनेटाइज हो जाता है। आप कंटेंट क्रिएटर तो पहले से थे, बस आपको क्या करना है, आपको शिफ्ट होके इंस्टाग्राम पे अब अपना प्लेटफॉर्म जो है एज एन स्किल सेट दिखाने के लिए यूज़ करना है। आप इस इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को अब यूज़ करें और इसको यूज़ करके आप एज एन टिकटॉक वीडियोज बना सकते हैं, और यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे ही बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारा ऑडियंस मिल जाएगा, और यहाँ आप बहुत इफेक्ट्स के साथ अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि इस इफेक्ट्स को कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे इस इंस्टाग्राम में वीडियो शूट होती। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम रील्स किस तरीके से यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम ओपन करना है। जब आप इंस्टाग्राम ओपन करेंगे तो इंस्टाग्राम के टॉप लेफ्ट में आपको एक कैमरे का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस कैमरे पे क्लिक करेंगे। जब इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बॉटम में लाइव स्टोरी और रील्स का ऑप्शन है। यहाँ रील्स पे आप क्लिक करेंगे। रील्स पे क्लिक करने के बाद अब आपको एडिशनल फीचर्स दिखेंगे, जैसे ऑडियो का है, स्पीड इफेक्ट एंड टाइमर का। तो यहाँ आप सबसे पहले ऑडियो पे क्लिक करेंगे। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद आपको ये कुछ सुजेस्टेड ऑडियो दिखाएगा जो आप अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई यूज़ नहीं करना है तो आप ब्राउज में भी जा सकते हैं। ब्राउज में जाने के बाद आप यहाँ से भी कोई भी म्यूज़िक जो है यूज़ कर सकते हैं, और इवन दो अगर आपको यहाँ से भी यूज़ नहीं करना है तो आप सर्च में जाके कोई भी म्यूज़िक का नाम लिख के आप सर्च करके उसे भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ कोई म्यूज़िक यूज़ नहीं करूँगा, मैं इसे बैक कर रहा हूँ। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है मोड। ये जो है स्पीड है बेसिकली वीडियो की। जब भी आप वीडियो शूट करते हैं तो वीडियो के कंटेंट के अकॉर्डिंगली वीडियो का स्पीड मोड होता है। आप उसे फास्ट में शूट कर सकते हैं, आप उसे स्लो मोड में शूट कर सकते हैं, तो यहाँ से आप वो स्पीड सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्डली आपके पास ऑप्शन है इफेक्ट्स का। इफेक्ट्स में अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नीचे बॉटम में अब जहाँ वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है उसके साथ इफेक्ट्स खुल गए हैं। आप यहां से कोई भी इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं इस इफेक्ट को यूज़ करता हूं, ठीक है। अब ये इफेक्ट चेंज हो गए हैं। आपको पहले फोर्थ ऑप्शन में बता देता हूं, यहां टाइमर है। टाइमर का मतलब है आप कितने सेकंड की वीडियो शूट करना चाहते हैं, 0 से 15 सेकंड के बीच का आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल 15 सेकंड पर इसको छोड़ रहा हूं, और मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आई गेस इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड होता है। आप देखेंगे टॉप पे जो है एक पिंक कलर का जो लाइन चल रहा है, ये आपका टाइमिंग है जो आपको बता रहा है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और ख़त्म होने वाला है। ये आपको दिखाएगा कितनी लंबी वीडियो बननी है। तो इस तरीके से वीडियो बन रही है, और जैसे ही ख़त्म हो जाएगी ये तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस होना शुरू हो जाएगी। प्रोसेस होने के बाद आपको ये नेक्स्ट ऑप्शन देगा कि आप इसको पोस्ट करेंगे। देखिए आप इसमें कुछ लिख भी सकते हैं। ये वीडियो आपकी नीचे बन गई है। इस वीडियो को मैं यहाँ राइट पे जो बॉटम पे क्लिक किया हुआ है इसको मैं नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ आप अपने हैशटैग यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके या आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, और फिर उसको आप एज एन रील में भी डाल सकते हैं या फिर आप स्टोरी में भी यूज़ कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप अपने रील्स को यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो इंस्टाग्राम रील्स पे। आई होप आपको वीडियो देख के ही समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इंस्टाग्राम रील्स को यूज़ किया जाता है। और इंस्टाग्राम रील्स को यूज़ करने के सिवा इसका सेकंड मकसद जो इंस्टाग्राम का है रील्स को लाने का, वो ये भी हो सकता है क्योंकि उसके जो नंबर ऑफ़ एक्टिव यूजर्स है इंस्टाग्राम पे वो करंटली 1 बिलियन है, जो वो चाहता है कि इन फ्यूचर बढ़े। इसीलिए उसने हाल ही में 2-3 महीने पहले भी IGTV मोनेटाइजेशन का एक कंसेप्ट भी लाया है, जो अभी फॉरेन में फिलहाल ट्रायल बेसिस पे चल रहा है, वो जल्दी ही इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है। तो आप कंटेंट क्रिएटर ऑलरेडी है, आप टिकटॉक पे कंटेंट बनाते हैं, तो आप अब इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना शुरू करिए, बिकॉज आने वाले टाइम में इंस्टाग्राम जो है मोनेटाइज होने वाला है और आप यहाँ से अच्छा इनकम अर्न कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इंस्टाग्राम को यूज़ करते रहिए, इसके फीचर्स को एक्सप्लोर करिए और चैनल को उसी तरीके से देखते रहिए। चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। तो आई होप इसे आप सब्सक्राइब भी करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज का दिन शुभ रहे। बाय बाय।